आज हम बनाने वाले हैं आलू और प्याज की लच्छेदार पकौड़ी। ये चार आलू हमने ले लिए थे, जिसको मैंने कद्दूकस में छील करके कद्दूकस कर लिया है और इसको तीन चार पानी से धुल करके अच्छे से इसका पानी निकाल दिया। यार देखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हमने ले रखी ये हरी धनिया, प्याज बिल्कुल बारीक कट करना है, क्योंकि हम दोनों को मिक्स करके बनाने वाले हैं। वैसे तो ये अलग अलग भी बनती है, पर जो मिक्स का स्वाद रहता है ना, बहुत ही अलग रहता है। एक बार आप ऐसे ज़रूर ट्राई करें। सब्जी मसाला है ये, नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट है, और ये है काली मिर्च। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। मसाला आप अपने स्वाद अनुसार और जैसे आपने ले रखा है आलू ना, उसके हिसाब से लीजिएगा। मैंने सब हाफ टेबल स्पून यहाँ पे लिया हुआ है। और यहाँ पे हम डाल देंगे ये बेसन। बेसन मैंने ले रखा है एक कटोरी। बेसन की क्वांटिटी हमें कम ही रखना है। जरा से डाल देंगे पानी, पानी की मात्रा हमें बहुत कम रखनी है, और कोशिश करना है कि नहीं डालना, पर मैंने ज़रा से डाल दिया है। और हाथों की सहायता से हाथ को अच्छे से क्लीन करना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये फ्रेंड्स पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, और आप इसको चाय के साथ, वो या आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं और बच्चों को, कभी भी आप इसको ट्राई करें, बहुत ही अच्छे से बनके रेडी होती। तो चलिए अच्छे से आगे इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी मैंने बहुत कम डाला था और ये रेडी है। दूसरी तरफ चढ़ा रखा है हमने खाने का तेल, जरा से इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, तेल पक चुका है, इसको निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम हम स्लो कर देंगे, और जब भी हमें कोई भी पकौड़ी बनानी होती है ना, गैस की फ्लेम हमें स्लो ही करना रहता है, क्योंकि तो पकौड़ी क्या है, ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और छोटे छोटे पकौड़ी आप हम इसमें डाल देंगे। तेल हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका था, आप इसे जिस भी तेल का प्रयोग करते हैं कर सकते हैं। पर याद रखना है कि जो गैस की फ्लेम रहेगी वो स्लो ही रहेगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं पकौड़ियों को। ये देखिए, अभी बहुत अच्छे से ये पकी नहीं है, इनको हम पलट देते हैं। और हल्के लाल रंग होने तक पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ियाँ जो हैं वो हल्के लाल रंग की हो चुकी हैं, कुछ अभी बाकी हैं, इनको पक जाने देते हैं। और गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है, तभी जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो कुरकुरी बनेंगी। तो ये देखिए, पकौड़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पकौड़ी बनके रेडी हो चुकी है, आलू और प्याज की लच्छेदार, और आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत गर्म है अभी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।